एक घने जंगल में एक बड़ा और खूंखार हाथी रहा करता था। यह हाथी जंगल में जहाँ से निकलता था वहाँ भगदड़ मच जाती थी। जंगल के सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग खड़े होते थे। इस भगदड़ में बहुत सारे जानवर तो अपनी जान भी गवा बैठते थे। इस घने जंगल में अनेक जानवरों की अपेक्षा ज्यादातर छोटे हिरण रहा करते थे, और जंगल के इस भाग दौड़ में सबसे ज्यादा यही हिरण हाथी के पैरों तले कुचल दिए जाते थे। इस वजह से हिरणों का जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। अंततः इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हिरणों ने एक सभा की। हाथी से छुटकारा पाने के बारे में काफी विचार होने के बाद अंत में एक बूढ़े और अनुभवी हिरण ने यह प्रण किया कि वह अपने बुद्धि के बल के द्वारा हाथी से छुटकारा दिलाएगा। यह बात सुनकर सभी जानवर आश्चर्यचकित हो गए कि एक बूढ़ा हिरण किस तरह से खूंखार हाथी से छुटकारा दिला सकता है। अगले ही दिन वह बूढ़ा हिरण बिना किसी डर के उस हाथी के पास पहुंचा। सबसे पहले बूढ़े हिरण ने उस हाथी को प्रणाम किया। हाथी बड़े ही आश्चर्य से हिरण की ओर देखते हुए बोला, कहो तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? बूढ़ा हिरण बोला, मैं तो बस अपने राजा के दर्शन करने चला आया हूँ। हाथी ने खुश होते हुए पूछा, तो क्या तुम मुझे राजा मानते हो? तब बूढ़ा हिरण बोला, हमारे राजा तो आप ही हैं। इसमें मानने और न मानने वाली बात कहाँ से आ गई? कल हम सब जानवरों ने मिलकर जंगल में एक सभा की थी, जिसमें सभी जानवरों की मर्जी से एक निर्णय लिया गया है कि हम सब आपको अपना राजा बनाना चाहते हैं। आप में वह सभी गुण है जो एक राजा में होना चाहिए। मैं जंगल के सभी जानवरों की तरफ से यह प्रार्थना लेकर आया हूँ कि आप हमारे राजा बनना स्वीकार करें। यह बात सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन सोच रहा था कि यह जानवर मुझसे बहुत डर गए हैं, इसीलिए इन्होंने मुझे अपना राजा मान लिया है। तभी बूढ़ा हिरण बोला, आप मेरे साथ चलने का कष्ट करें, सभी जानवर आपको राजा के रूप में देखना चाहते हैं। हम लोगों ने सब तैयारी कर ली है, आप जल्दी से चलिए और अपना राज तिलक करा लीजिए। हाथी मन ही मन खुश होते हुए बूढ़े हिरण के साथ चल दिया। उसके मन में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि यह जानवर जिन्हें मारता और परेशान करता रहता है, वह मुझे राजा क्यों बनाना चाहते हैं। उसके मन में ये बिल्कुल भी नहीं आया। जबकि इधर बूढ़ा हिरण मन ही मन बहुत खुश था कि हाथी उसकी चाल में फंस गया है। रास्ते में चलते हुए बूढ़ा हिरण हाथी को ऐसे रास्ते पर ले गया जहाँ बहुत अधिक दलदल थी। हाथी राजा बनने की खुशी में इतना मस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह किधर जा रहा है। और जब उसके पैर दलदल में फंस गए तो वो सकपका गया। उसका भारी शरीर दलदल में धंसता जा रहा था। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकल पाया। बूढ़े हिरण को मुस्कुराता देख वह यह समझ गया कि उसके साथ चाल चली गई है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हाथी दलदल में फंसकर मर गया और जंगल में खुशहाली का माहौल छा गया। दोस्तों, आप भी तो अपने से छोटे और गरीब लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें बिना गलती के बड़ी बड़ी दंड दे देते हैं, और एक गरीब इंसान क्या ही कर सकता है। दोस्तों, हमें कभी भी अपने से छोटे और गरीब व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। हाथी के अत्याचारों से जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए थे, क्योंकि वह हाथी से ताकत में कम थे। गरीब और छोटे लोग भी आपसे पैसे में कम हैं। आप उन पर कितना भी अत्याचार करो, वो कुछ नहीं कहते हैं। और दूसरी बात सीखने वाली ये है कि बुद्धि के बल से बहुत ताकतवर व्यक्ति को भी हराया जा सकता है, सबक सिखाया जा सकता है। बूढ़ा हिरण हाथी से ताकत में इतना कमजोर होने के बाद भी अपनी बुद्धि के बल पर हाथी को मार गिराया। और तीसरी बात सीखने वाली ये है कि बड़ा और ताकतवर बनने के चक्कर में अपनी भला और बुरा सोचने की शक्ति को नहीं गवा देना चाहिए। हाथी ताकतवर तो था, लेकिन राजा बनने का नशा उस पर इतना चढ़ा हुआ था कि उसने अपने सोचने समझने की शक्ति को भी गवा दिया था, और इसका नतीजा भी उसे भुगतना पड़ा। हमेशा ये ध्यान रखना है कि शेर की गुफा में यदि खजाना छिपा हो, यह जानकर भी हमें सीधे शेर की गुफा में ऐसे ही नहीं चला जाना चाहिए। बुद्धि के सामने ताकत हार सकती है। यह इस स्टोरी का स्टिक मोरल है।